एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की तीन तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। एक तो होता है पेड, ये लिखा होता है, और एक लिखा होता है आउटस्टैंडिंग, और एक लिखा होता है प्रीपेड। इसका मतलब होता है वर्क टेकन और पेमेंट डन। इसका मतलब होता है वर्क टेकन पेमेंट नॉट डन। पेड का मतलब हो गया कि हमने काम तो ले लिया और पैसे भी दे दिए, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि काम ले लिया लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, और प्रीपेड का मतलब होता है कि काम तो लिया नहीं लेकिन पैसे दे दिए। तीनों का अलग अलग मीनिंग है। एक बात नोट करने लायक है, वो आप कर लीजिए। इफ एक्सपेंसेस आर ड्यू मीन्स वर्क इज टेकन, अगर हम काम ले चुके हैं then expenses account is debited. उस केस में हम expenses account को डेबिट करते हैं। किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो दे दो, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं भी। अगर एक्सपेंसेस ड्यू हैं, यानी कि वर्क में ले चुका हूं, तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, ये पक्की बात है। तो एक्सपेंसेस डेबिट किस किस में होगा? काम ले चुका हूं यहां पर भी और यहां पर, तो दोनों में एक्सपेंस डेबिट होगा, ये कंफर्म। उसे खर्चा माना जाएगा अगर आप काम ले चुके हो। अगर आप काम ले चुके हो, ये इसका बेसिक रूल है। काम अगर आप ले चुके हैं तो एक्सपेंस डेबिट होगा। इस केस में आपने काम लिया ही नहीं तो एक्सपेंस डेबिट होगा ही नहीं। इस केस में भी आप काम ले चुके हो और इस केस में भी आप काम ले चुके हो। अगर आपने पेमेंट कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। यहां पर लिखा है पेमेंट डन, यहां पर लिखा है पेमेंट डन, और यहां पर क्या लिखा है पेमेंट डन। तो इन दोनों में टू कैश तो आएगा ही आएगा।
ये बेसिक रूल है बेटा। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। दो रूल और लिखे, क्या गड़बड़ हो रही है। चलो कोई बात, चलो कोई बात, ऐसे मानता तो ऐसे सही। If work taken but payment not done, काम तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उनका पैसा देना है। देना है का मतलब क्या हो गया? ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, इतना पैसा हमने देना है। तो इस केस में एक कॉमन बात निकल के आती है कि अगर आप काम ले चुके हो और आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। यहां तक के रूल्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट रूल्स अप टिल नाउ। ठीक है, एक रूल और लिखो। इफ वर्क नॉट टेकन, आपने काम नहीं लिया लेकिन आपने पैसे दे दिए, पेमेंट डन, तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया पैसा, तो इसका मतलब क्या है? मनी पेड इन एडवांस
वर्क इज टू बी टेकन, काम लेना है। अब ये टू बी टेकन, ध्यान देना मेरी बात, इसका क्या मतलब है कि काम आपने लेना है। तो अगर काम आपने लेना है तो ये आपके एसेट हुई, समथिंग यू हैव टू टेकन, यू हैव टू टेक फ्रॉम समबडी, आपने किसी से कुछ लेना है तो यानी कि आपने उसे अपना एडवांस पैसा दे रखा है, तो आपने अपना पैसा किसी पे लगा रखा है। अगर आपने अपना पैसा किसी पे लगा रखा है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी एसेट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट हुआ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट होगा। तो इस केस में एसेट इंक्रीज हो रही है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ये रूल फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं आपको अब इन तीनों केस में जर्नल एंट्री बताता हूं। पेड सैलरी ₹1,000, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने पैसा देना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड है वो आपके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। तो अभी जनरेटिव का टुकड़ा में करेंगे, तो क्रेडिट में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि पैसा तो हमने दिया ही नहीं। अब डेबिट क्या होगा ये भी हमें रूल बताएगा जो मैंने लिखवाया। सबसे पहला रूल, इफ एक्सपेंसेस आर ड्यू, अगर खर्चे ड्यू हैं, यानी कि आप काम ले चुके हैं, पैसे दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता कुछ, अगर काम ले चुके हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिट। अगर आप काम ले चुके हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिट। तो यहां पर एक्सपेंसेस का नाम डेबिट होगा, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। काम तो आप ले चुके हैं ना, तो खर्चा तो माना जाएगा, आपने पे नहीं किया कोई बात नहीं, अगर पे कर देते तो टू कैश आता, पे नहीं किया है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा। देखो इन दोनों एंट्रियों में कॉमन क्या है, ऊपर वाली इन दोनों एंट्रियों में कॉमन क्या है, काम दोनों में आप ले चुके हो, तो इसलिए दोनों में एक कॉमन बात हुई कि सैलरी अकाउंट डेबिट है। लेकिन यहां तो है पेड और यहां है आउटस्टैंडिंग, तो पेड का मतलब होता है टू कैश, पैसा चला गया, और आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, और लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब मैं आपको केस समझाऊंगा प्रीपेड सैलरी का, जरा ध्यान से सुनना बेटा, इजी नहीं है। एक मैं आपको कंडीशन सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक वर्कर हमारे यहां है, उसकी सैलरी है ₹2,000 पर मंथ, और वो कभी कभी हमारे से ज्यादा पैसे ले जाता है। बाबू जी घर पे खर्चा होना है, ज्यादा खर्चा है, इस बार ज्यादा पैसे दे दो, एडवांस दे दो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम उसको पूरे साल में जो दे चुके हैं पेड, इस
इस साल में मैं उसको 30,000 दे चुका हूं। तो चैट में लिखकर बता दो कि मुझको देने कितने थे, मैंने उसको देने कितने थे, काम मैंने कितने का लिया। काम मैंने लिया 24,000 का। बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे केस का मतलब क्या हुआ, इस पूरे केस का मतलब ये हुआ कि मुझको 6,000 रुपये, मतलब मुझको नहीं, मैंने 6,000 रुपये एडवांस पेड कर दी। इसी को तो बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। 6,000 रुपये प्रीपेड माने जाएंगे, और प्रीपेड आपकी होता है एसेट, और एसेट यहां पर इंक्रीज हो गई। अब इसमें दो केस हुए बेटा, अब बताऊंगा दो केस कैसे हुए, थोड़ी सी टेंशन ले लो बस। ये पहले आपने सैलरी पे की होगी, तो आपने जब सैलरी पे की होगी तो आपको उस टाइम तो पता नहीं होगा, क्योंकि वो कभी कितने ले आ रहा है, कभी कितने ले आ रहा है। तो आपने पूरे साल में जो पैसा पे किया उसको, तो आपने पूरे पैसे को लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बात ये आती है, मैंने काम तो उससे 24 का लिया ना, आई हैव टेकन वर्क फॉर 24,000 ओनली, तो सैलरी डेबिट जो होना चाहिए था वो 24 से होना चाहिए था, पर सैलरी डेबिट हो गया 30 से, सैलरी डेबिट हो गया 30,000 से। अगर सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से और सैलरी डेबिट होना चाहिए था 24 से, तो मुझे सैलरी अकाउंट के डेबिट में से 6,000 निकालने पड़ेंगे, मुझे सैलरी डेबिट को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए अगली एंट्री में सैलरी क्रेडिट करनी पड़ेगी। जितनी सैलरी मैंने ज्यादा डेबिट कर दी है, क्योंकि सैलरी अकाउंट उतना ही डेबिट होना चाहिए जितना काम आपने लिया है। आपने अगर काम 24 का लिया है तो सैलरी 24 से डेबिट होगी, चाहे आप उसे 10,000 दे दो चाहे 50,000 दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सैलरी डेबिट पूरा होगा जितना काम आपने लिया है। काम आपने 24 का लिया तो सैलरी डेबिट 24 की होनी चाहिए, लेकिन आपने सैलरी डेबिट कर रखा है 30 का, तो इसलिए मैंने सैलरी को क्रेडिट कर दिया 6 से, तो ये अपना नेट रिजल्ट आ गया कि सैलरी के डेबिट में 24 पहुंच गए, ठीक है ना। और मैंने एक अकाउंट अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने इस अकाउंट का अभी तक कोई भी यूज नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट होता है, वो है 6,000 रुपये, और एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, और जब आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसलिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000 टू सैलरी अकाउंट। अगर सिर्फ ये लिखा है प्रीपेड रेंट, तो खाली सेकंड वाली एंट्री होगी, फर्स्ट वाली नहीं होगी। अगर पूरी सिचुएशन लिखी होती है दोनों एंट्री होती है, अगर सिर्फ प्रीपेड वर्ड यूज किया गया तो सिर्फ सेकंड वाली एंट्री होगी।